जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। प्रणाम। 93 MSG ब्लॉक भारत भ्रमण में आप सभी का स्वागत है। मैं पिछले 12 तारीख को यहाँ पे ये जालेश्वर जिला हल्दीपाड़ा गांव और मैं यहाँ पे आया था पिछले 12 तारीख को, रात यहीं रुका था। आज 14 तारीख है, एक दिन यहाँ स्टे किया था पूरा दिन, और मैं आज 14 तारीख निकल रहा हूँ अब यहाँ से भुवनेश्वर के लिए। एक भाई साहब पिछली रात जो है 13 तारीख को रास्ते में बारह ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं पैदल यात्रा, तो भाई साहब नाराज हो गए पता नहीं किस बात पे और चले गए। अभी रास्ते में आपको मिलाता हूँ। तो आज का जर्नी जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल्दीपाड़ा से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सुबह का 6:30 बज गया है और यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा जंगली इलाका आ गया है। और अभी भाई साहब जो पीछे आपने देखा पैदल 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है, मैं कल पिछले शाम को जो है इनसे रास्ते में मैं देखा इनको, तो मैं जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ पे इनको आवाज़ देके रोका तो रुके, तो फिर बोले कि रहने की व्यवस्था है। मैं बोला भाई मैं जैसे रुका हूँ वैसे रुक जाओ। भाई साहब तो रुक तो गए, बातचीत हुआ, हाल चाल हुआ, कहाँ को क्या हो, नाम वाम बताया और फिर भोजन जो मैंने किया था मंदिर में वहीं भोजन बचा था, तो शाम को भी भोजन वहीं से कर लिया था मैं, और उनको भी मतलब मिल गया था प्रसाद भी। और भाई साहब सुबह से पता नहीं क्या अब उनके मन में था या उनका ऐसा विचार है पता नहीं, वो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई भक्त और भगवान का मतलब क्या अजीब सा ऐसा उनका वो था कि हमारा तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, लाला ढिंका बोलने लगे और फिर वहाँ से वो निकले, हमें बोले भी नहीं कि भाई मैं जा रहा हूँ, रात को साथ में बिताए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ भी नहीं बोले। धन्यवाद क्या, वो ये भी नहीं बोले भाई मैं जा रहा हूँ, हर हर महादेव, कुछ भी नहीं। तो मैं ऐसे लोगों से जो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं कुछ है, उनको इस विषय में मैं बता दूँ, प्रभु श्री राम महादेव के ही भक्त थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने भी 14 वर्ष वन में पैदल यात्रा ही किया था, लेकिन कभी उनको भूला नहीं, प्रभु श्री राम ने कभी उनको भूला नहीं, यानी प्रभु श्री राम उनको हमेशा याद करते रहे और महादेव भी उन्हें याद करते। महादेव प्रभु श्री राम कभी अपने आप से कोई बड़ा नहीं बताया, बल्कि प्रभु श्री राम हमेशा ही उनको अपना वो मानते रहे हैं, लेकिन दोनों में एक जैसा मानता है विचारधारा की। लेकिन ये भाई साहब किस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं क्या मालूम, ठीक है इनका विचार इनके ऊपर है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम अपना विचार यूँ लेके चलते रहो, आपको जैसा महसूस हो। चलिए मैं आज सुबह 6:30 बजे हल्दीपाड़ा से जालेश्वर जिला से निकल चुका हूँ और भुवनेश्वर जा रहा हूँ, देखता हूँ आज का रास्ता कहाँ तक पहुँच पाता है। वीडियो में बने रहो।
दोस्तों, जो है मैं अभी हल्दीपाड़ा से सुबह निकला था जलेश्वर से, और अभी मैं ये जहाँ पे पहुँचा हूँ ये भैया एड्रेस बता रहे हैं यहाँ का। अपना नाम बताइए। नारायण चंद्र नायक बाबूना, और उड़ीसा भद्रक लोकनाथ टेम्पल भद्रक। और यहाँ पे मैं पहुँचा था करीब 6:30 बजे के लमसम पहुँचा था, और उसके बाद वहाँ पे बात किया तो आसपास कोई मंदिर नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे एक बार आया था, लेकिन यहाँ पे जो आगे जो है किसी ने बोला कि नहीं अलाउ करेंगे, फिर यहाँ से चला गया। तो भैया का वहाँ पे मंदिर एक और है इनके पास में, इनका दुकान है, और वहाँ पे गया तो इनसे बात हुआ, फिर इन्होंने बोला कि मैं लेके चलता हूँ आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, फिर इसी मंदिर में आया हूँ जहाँ पहले आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने खाना भी खिलाया। नहीं भाई, ऐसे बात होता है। इधर अभी खाने का बात थोड़ी ना होता है। ये भैया भी जो है, ये दोनों ने मिल के हमको खाना भी खिलाया और रहने के लिए व्यवस्था भी कराया, तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप दोनों का। ऐसे कोई बात नहीं, भारत भोलो आते रहे हो, पूरा कभी भी मन हुआ तो इधर आ, मन हुआ तो हमारा नंबर ले लो, आराम से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। भैया कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, आप इधर से अभी ओडिशा से अभी ये भद्रक से अभी जाने वाले किधर? मैं आंध्र प्रदेश से निकल, आंध्र प्रदेश जाने वाले अभी। ठीक है, मंदिर मंदिर जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो भैया को, आगे बढ़ाओ। साइकिल लेके भैया जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी को देखने के लिए। यूपी का है, दे दो जगन्नाथ के नाम पे। आप ये उड़िया भाषा में बोलिए ना, यहाँ के कुछ उड़िया भाषा में मुँह कहू जे आपण लाइक करंतु, शेयर करंतु, आ ओडिसा बासी मानंकु मु अभिनंदन जणौ छी जे बाहर आसु जंती साइकिल रु जगन्नाथ पुरी मु देखिया पई। तो एतिक कहि आमे कहू छी जे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 ज